गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। टुडे डेट इज 2nd February 2022 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 18। नेम ऑफ द चैप्टर, आवर फेस्टिवल। सो लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट। सो इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। फर्स्टली वी से दैट आवर कंट्री इंडिया, इट इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन इज दैट एज वी नो दैट वी हैव ए डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल, by the people and for the people, and another very important thing which is that people belonging to different religions are living together in our country. It does not happen after the independence. हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, पर बेटा ये ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी के पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब कंट्री को फ्रीडम मिली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन क्लियरली कि ऐसा नहीं सोचना है कि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं और बाकी धर्म के लोग माइनॉरिटी में, मतलब कम है उनकी पॉपुलेशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में जो है वो बेटा आपके कंट्री इंडिया का। यू आर वेरी लकी डैट यू आर इन दिस कंट्री, क्योंकि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है इक्वलिटी इज गिवन टू ऑल द रिलीजन। यहाँ किसी भी धर्म को लेके कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, और अपने धर्म की बातों को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, अपनी धार्मिक बुकों को अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं, धार्मिक पढ़ाई करा सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स भी कर सकते हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस का भी है, सिख भी है, सारे धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो मेजॉरिटी में है वही अपने धर्म को लेके इधर और बाकी नहीं करे, ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। सारे धर्मों को इक्वालिटी दी गई है। अब जब सब धर्मों को बेटा इक्वालिटी मिल गई तो डैट इज़ द रीज़न हमारी कंट्री लैंड ऑफ फेस्टिवल बन गई, ठीक है। क्योंकि हर जो रिलीजन है, देखो हम लोग अलग अलग नेम से आखिर वर्शिप तो गॉड को ही कर रहे हैं। हम सबको लगता है कि कोई एक पावरफुल कोई पावर है, ठीक है, जो हमारी हर समय हेल्प करती है, वो बात अलग है। बाय डिफरेंट नेम वी वर्शिप गॉड बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग रिलीजन में हम अलग अलग नाम से अपने गॉड को वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ द रीज़न। अब इसी की वजह से सारे धर्मों को इक्वलिटी होने की वजह से ही इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला गया, क्योंकि हर धर्म में बहुत से फेस्टिवल होते हैं। हिंदूज़ के अभी हम बुक में चैप्टर में हिंदूज़ के फेस्टिवल डिस्कस करेंगे, वो भी हमने कुछ मेन फेस्टिवल्स लिए। अगर ऐसे लोग हैं तो हर दिन ही भगवान का दिन माना जाता है हमारी कंट्री में, कोई ना कोई भगवान, सारे डे जो है किसी न किसी भगवान से रिलेटेड हैं। तो ऐसे तो हर दिन ही वर्शिप है, लेकिन हमने फ्यू इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स को लिया है सारे रिलीजन से, ठीक है। तो डैट इज़ द रीज़न आवर कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हिंदूज के बहुत से फेस्टिवल्स हैं, मुस्लिम्स के बहुत हैं, सिख के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, ये तो आ गया रिलीजन को लेके। फिर देखो हमारी कंट्री इज़ अ वेरी बिग कंट्री, ओके, और वी ग्रो क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं भाई, फार्मर लोग टोटली क्रॉप पे डिपेंड हैं, ठीक है, वो कल्टीवेशन ही कर रहे हैं, कल्टीवेशन से उनकी क्रॉप होती है, कुछ अपने लिए रख लेते हैं और कुछ वो लोग मार्केट पे बेच देते हैं, यही उनका, इसी से उनके जीवन चलता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री एक कल्टीवेशन वाला देश है, यहाँ खेती बहुत होती है हमारी कंट्री इंडिया में, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब देखो फार्मर सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, देन दे गेट अ गुड क्रॉप, तो व्हेन दे गेट अ गुड क्रॉप सो दे वर्शिप गॉड फॉर दैट, वो भगवान को इसके लिए वर्शिप करते हैं कि भगवान ने उनकी हेल्प की, उनके हार्ड वर्क को समझा, उनकी क्रॉप्स इतनी अच्छी हुई। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे
ठीक है, अभी जब आएगा बुक में तब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये मैं एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में मतलब तुम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए एक आउट फ्रेम कि ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए चलेंगे, इससे चीजें बेटर समझ में आती हैं। ठीक है, इससे चीजें आपको बेटर समझ में आती है। तो मैं एक आउटलाइन बना दे रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दे रहा हूँ कि स्टेप बाय स्लोली स्लोली वन बाय वन कैसे हम लोग स्टेप बाय मूव करते चलेंगे चैप्टर में। ओके, अब ये हो गया, हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात कर ली, रिलीजियस फेस्टिवल की बात कर ली। लेकिन भाई लीडर्स ने सोचा कि सारे धर्मों को तो भाई इक्वलिटी दे दी आपने, समझ रहे हो मेरी बात। लीडर्स जो रहे होंगे उस समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया होगा, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो लिख दिया हमने कि सबके धर्म को इक्वलिटी है, अब ये लोग भाई तो अपने अपने धर्म को लेके अब सब इक्वल हैं, कोई किसी की नहीं मानेगा, सब अपने धर्म पे। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि सारे लोगों को ये लगे कि हम भले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, बट वी आर इंडियन। पर इन सारी चीज़ों से जो सबसे ऊपर है वो क्या है, वी आर इंडियन एंड वी बिलोंग्स टू कंट्री दैट इज आवर कंट्री इंडिया। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेस्टिवल जो हमारे पास्ट के समय की बहुत इम्पॉर्टेंट मेमोरीज थी जिसको हम अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको नेशनल फेस्टिवल की कैटेगरी में डाल दिया गया। वो चीज़ें पास्ट की हिस्ट्री में, जैसे आपका बर्थडे है, आप कभी अपना बर्थडे भूलते हो? नहीं, कभी नहीं भूलते। वो डे आपका स्पेशल डे होता है, सब आपसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, बर्थडे शाम को आपके दोस्त आते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है, सब आपको बोलते हैं अच्छी बातें, आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई में निकलो, बहुत अच्छा, एवरीवन ब्लेस यू ऑन दैट डे, और सबकी ब्लेसिंग काम भी आती है बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो आपका स्पेशल डे है। तो अब देखो इतने अलग अलग रिलीजन थी, तो अब भाई लीडर्स के दिमाग में आया कुछ तो ऐसा कर दो कि जब इन लोग को ये लगे धर्म अपनी जगह है, भाई अपने अपने धर्म से आप बिल्कुल जुड़े रहो, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन योर रिलीजन, बट जब कंट्री की बात आएगी तो चारों धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चन, वहां उनको ये नहीं सोचना है मैं कौन हूं, वहां उन्हें स्टैंड होना है कि आई एम इंडिया, आई एम इंडियन एंड माई कंट्री इज इंडिया, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कुछ फेस्टिवल को जो पास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज जिसको हम कभी फॉरगेट नहीं कर सकते उसको नेशनल फेस्टिवल बना दिया। सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंस डे, आप कभी भूल सकते हो? 200 इयर्स हम लोग ने स्ट्रगल की, किसके संग? ब्रिटिश पीपल के संग, तब हमें फ्रीडम मिली है। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, मतलब बहुतों की जान चली गई, मर गए लोग, लेकिन आपको इतनी अच्छी कंट्री आजाद करा के दे गए, सोचो। तो उन्होंने लाइफ दी ना, अगर उनको भी लालच होता हम क्यों अपनी जान दें, मरने दो दूसरों को, जब कंट्री आजाद हो जाएगी तो हम भी खूब मजे करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी चीजों अगर हम सोचते तो हम कभी आजाद नहीं होते। ठीक है, लोगों ने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस की, तो इसलिए ये पास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट या मेमोरी है हमारी इंडिपेंडेंस डे, तो इसको हमने नेशनल फेस्टिवल में रख दिया। अब जब भी नेशनल फेस्टिवल की बात होती है इंडिया के सारे कंट्री में ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उस दिन फ्लैग होस्ट होता है हमारा। ठीक है, तो अब ये नेशनल फेस्टिवल हो गया, कोई रिलीजन इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर नेक्स्ट रख दिया रिपब्लिक डे। भाई इतनी बड़ी कंट्री थी, कंट्री में गवर्नमेंट बनाना, रूल करना बहुत हार्ड काम था, मोर देन 2 ईयर्स लग गए, और ये पॉसिबल हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इसको हम लोग रिपब्लिक डे बोलने लगे, बिकॉज ऑन दिस डे वी अडॉप्टेड आवर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज अ वेरी मेमोरेबल इवेंट फॉर अस, तो ये भी नेशनल में आ गया। और स्पेशली अब गांधी जयंती बात हो तो ओल्ड टाइम में उस समय गांधी जी एक ऐसे लीडर थे, जैसे पहले क्या होता है ना, कोई लीडर्स हिंदूज लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं या मुस्लिम लीडर्स को ज़्यादा, लेकिन गांधी जी की एक अलग वो थी छवि लोगों के दिमाग में, एक अलग पिक्चर थी उनकी, उनको सारे रिलीजन के लोग उनसे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट थे, फॉलोवर्स थे, दे दैट इज़ द रीज़न उन्हें बापू तक कहा गया पूरे देश का। ठीक है, महात्मा की भी उपाधि मिली, तो दैट इज़ द रीज़न
तो गांधी जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी लोगों के लिए, ऑल रिलीजन, तो उनके बर्थडे को भी हमने नेशनल फेस्टिवल में रख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट 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 फेस्टिवल्स हम लोग वन बाई वन स्टेप वाइज चलेंगे। इंडिपेंडेंस डे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है शॉर्ट रिकैपिटुलेशन के संग। ये होता है लाल किला, रेड फोर्ट जो आपके दिल्ली में है, वहाँ पे हु होस्टेड द फ्लैग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड आफ्टर दैट ही स्पीक विद द ही गिव स्पीच टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, और सारे स्कूलों में तुम लोग जानते हो इंडिपेंडेंस डे में आप छोटे बच्चे हो, आप भी बहुत से आज़ादी से रिलेटेड प्रोग्राम करते हो, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे डांस होते हैं, ये सब आपको पता है, स्कूल में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे। चलो अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बेटा आप लोग के संग, वो है आपका रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे जब भी कोई बोलता होगा आपके दिमाग में एक पिक्चर बन के आ जाती है, अच्छा वो रिपब्लिक डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। देखो इस तरह चीजें याद होनी चाहिए, रट्टा नहीं रिपब्लिक डे झंडा फहराते हैं, वो तो अलग चीज है, फ्लैग तो होस्ट होता है, बट व्हाट वाज द पास्ट इवेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जिसमें रूल्स और लॉ लिखे हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, तो दैट वाज अडॉप्टेड, ये है इसका। ठीक है, अब देखो इस दिन क्या होता है, टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेजन, ठीक है, टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेजन, ओकेजन मीन्स स्पेशल इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, जिसको हम भूल नहीं सकते। ठीक है, एवरी ईयर अ बिग परेड इज हेल्ड ऑन अ न्यू दिल्ली। अब यहाँ बहुत बड़ी परेड होती है, आपने अपने स्कूल के लेवल पे देखा होगा, आपके सीनियर भैया और दीदी लोग, ब्रदर सिस्टर आपके मार्च पास करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वी से इट एज ए परेड, ए नंबर ऑफ पीपल मार्चिंग इन ए लॉन्ग लाइन। ठीक है, इसी को ए नंबर ऑफ पीपल, मैनी पीपल मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन, दैट इज नोन एज परेड। अब देखो उस दिन यहाँ न्यू दिल्ली में परेड होती है, और सबसे बड़ी बात जानते हो बेटा, आपको पता है आपकी आर्मीज के बारे में, द सोल्जर ऑल थ्री आर्मड फोर्सेस, हमारे पास एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है और नेवी भी है, तो इसमें सारे के सारे इस परेड में सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, इवन जो पुलिस हैं फोर्सेस, जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, मार्च करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, द सोल्जर ऑफ थ्री आर्म फोर्सेस, आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, एंड ऑल्सो द पुलिस फोर्सेस मार्च ऑन द राजपथ, ये कहाँ, न्यू दिल्ली में। और आप लोग को मैंने बताया था 15 अगस्त में जो फ्लैग होस्टेड करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बट ऑन 26 जनवरी रिपब्लिक डे हु टेक अ सल्यूट, वो कौन करते हैं उस दिन, जो करते हैं वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तीनों सेना हमारी होती है ना, इनके भी हेड आपके कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ही जो पूरा डिफेंस आता है उनके ही अंडर में आता है। ठीक है, अब चिल्ड्रन एंड फोक डांसर, आप इसमें अगर आपने कभी लाइव प्रोग्राम रिपब्लिक डे का देखा होगा, बहुत से स्कूल के बच्चे भी अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, डांसेस करते हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों के संग भी बहुत सी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और एंड डांसर, फोक डांसर टू टेक पार्ट इन द परेड, फोक डांसर मतलब देखो बेटा हमारी कंट्री जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद लास्ट चैप्टर जब बनाएंगे तब वहाँ चैप्टर का नाम ही है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता, इतना डिफरेंस विल बी एक। ओके, तो वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 में। ठीक है, तो अब देखो रिपब्लिक डे फोक डांसर, देखो अब इतनी बड़ी स्टेट है, इतने रिलीजन के लोग हैं, हर स्टेट के अपने अपने डांस है, जैसे आप 1-2 क्लास में होते होंगे तो स्टेट वाइज हम लोग के क्लोथ भी वेयर करते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट के अपने अपने फोक डांसेस हैं, तो उनको भी ये लोग
उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं इस दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्यूटीफुल टेब्ल्यूज फ्रॉम एवरी स्टेट आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस परेड। ब्यूटीफुल टेब्ल्यूज का मतलब है झांकियां निकाली जाती हैं। जैसे देखो 28 स्टेट है हमारी कंट्री में बेटा, कितनी स्टेट है 28 स्टेट है। हर स्टेट उस झांकी में अपने स्टेट की एक झलक दिखाते हैं कि किस तरह का वहाँ रहन पहनने का क्या ढंग है, पहनने का रहने का, तो एक झलक उसमें ग्लिप्स मतलब होता है एक झलक, तो अपनी टेब्ल्यूज मतलब होता है झांकी, तो स्टेट वाइज झांकी निकलती है बेटा। और इसमें समझ लीजिए एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, तो दैट्स ऑल अबाउट द रिपब्लिक डे। ठीक है, आई होप थिंग्स आर वेरी इन अ वेरी सिंपल मैनर आई एक्सप्लेन यू अबाउट द रिपब्लिक डे एंड आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। इवन इफ देयर इज एनी डाउट इट डजंट मैटर, वी हैव ए डाउट सेशन ऑल्सो, ओके, एट द टाइम वेन वी टीचिंग यू एट दैट टाइम डेली इन ऑनलाइन क्लासेस वी गिव यू टाइम, फर्स्ट यू आस्क योर डाउट एंड आफ्टर दैट वी क्लियर इट एंड देन वी डिलीवर सम then we explain some topics to you, and even you are getting separate doubt online session of all the subject on different days. So even after my teaching, if there is any confusion, you underline it, and at the time of doubt session you can ask. So this is all about the Republic Day. This is the second national festival of our country. Okay, now see Gandhi Jayanti. So what happens Gandhi Jayanti? Next we say it as a Gandhi Jayanti. Next is the Gandhi Jayanti. ठीक है, so see student Gandhi Jayanti की जब हम लोग बात करते हैं when we are talking about the Gandhi Jayanti. ठीक है, so what happened on this day? This is the birthday of Mahatma Gandhi. That is the 2nd October. सेकेंड अक्टूबर क्या हुआ है बेटा, सेकेंड अक्टूबर इज द बर्थडे। ठीक है, व्हाट इज सेकेंड अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ही इज आल्सो नोन एज बापू एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ अवर नेशन महात्मा गांधी। ओके, सो व्हाट वी डू, स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड एवरीवेयर स्पेशली एट हिज समाधि एंड वेयर द समाधि ऑफ महात्मा गांधी दैट इज इन राजघाट। समाधि ऑफ महात्मा गांधी ठीक है, सो दिस इज आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ ए नेशनल फेस्टिवल और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। Because he is the only leader who is respected by the people of all the religions. That is the reason. And we say it as a Bapu. And he also known as the father of a nation. That is the reason we say Mahatma Gandhi. Okay. So what happened at this day? Prayer meetings are held everywhere. Especially at his Samadhi. And his Samadhi is in the Rajghat. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अबाउट दिस नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है बेटा, इन नेशनल फेस्टिवल पे हॉलीडे होता है, ये जितने भी तीनों नेशनल फेस्टिवल हैं ये वर्किंग डे नहीं होता, सारे जगह हॉलीडे होता है इन तीनों नेशनल फेस्टिवल में। ठीक है, दैट इज योर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ओके, अब ये सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ सेकंड बाकी है, मैं आप लोग से बता देता हूँ, अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे देन इट इज़ वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वाई आई मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू देन माई टॉपिक इज हार्वेस्ट फेस्टिवल, देन द टॉपिक विच आई चूज दैट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Harvest festival which are celebrated in all parts of the country. Harvest festivals which are celebrated in all parts of the country
बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। सारे फेस्टिवल क्रॉप से रिलेटेड है, व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी इन द फील्ड्स, फार्मर कट द क्रॉप्स, सो दे सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल, बट द सेम फेस्टिवल दे सेलिब्रेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाई डिफरेंट नेम। ओके, थैंक यू।